अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नाज़िया क्रिएशन चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, बच्चों के लिए हेल्दी खाना जो हम घर में रेडी करके टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं और बच्चों को टेस्टी भी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे थोड़ा तेल डालकर, और मसूर की दाल ऐड करेंगे, और नमक, मिर्च, हल्दी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हम 1.5 कप ऐड कर रहे हैं। चावल को धो लेंगे और ऐड करके अच्छे से चावल को भून लेंगे। भून लेने के बाद में इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, क्योंकि 1.5 कप पानी, 1.5 कप चावल लिया है। हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी ऐड करने के बाद कुकर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक फुल पे सीटी लगाएंगे और एक सिम पे सीटी लगाकर बंद कर देंगे। 2 मिनट के बाद में इसे खोल लेंगे। ये देखिए, हमने ऐड किया है इस टाइम पर थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। नमक ऐड करने के बाद देखिए, हमने बंद कर दिया है। चलिए हम बंद करके देखें। अभी तो पक चुका है, अभी से खोल कर देख लेंगे। बंद करने के बाद में खोल दिए, इतना जल्दी मैजिक अगर रियल में होता तो कितना अच्छा होता था। देखिए, हमें 5 मिनट लगे थे इसको बनने में, हमें इसे बनाने में 5 मिनट लगे थे। चलिए, इतना अच्छा टेस्टी बन गया बच्चों के लिए, और टिफ़िन में पैक कर रहे इस टाइम पर हम इसे ठंडा करके हम अपने बच्चों के लंच बॉक्स में उनको दे सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर 2K सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ दुआ में याद रखिए। न्यू रेसिपी के लिए कमेंट करिए।